नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN 24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जामताड़ा में सूखे की भयावह स्थिति को देखते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा ब्लॉक कार्यालय में स्थिति का आकलन और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए पदाधिकारियों संग बैठक की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस वर्ष बारिश नहीं होने से जामताड़ा में चारों ओर त्राही माम की स्थिति है। फसल लगाना तो दूर, किसान अब तक बीहन तक नहीं कर पाए हैं। स्थिति और भी बद से बदतर होती जा रही है। किसान भाई पानी की कमी के कारण खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनका वर्तमान और भविष्य अंधकारमय हो गया है। ऐसे वक्त में उन्हें तुरंत राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए मैंने आपात बैठक बुलाई है। पदाधिकारियों को मैंने स्थिति का जायजा लेकर केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराने का निर्देश दिया है ताकि किसानों को जल्द से जल्द मिल पाए। विधायक ने कहा कि मैं राज्य सरकार को किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराकर उनके लिए राहत पैकेज लाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे द्वारा किसान भाइयों को जो भी मदद हो पाएगी मैं करूंगा। किसान जब आत्महत्या करेगा, मरेगा, तो सोचिए क्या होगा, भूचाल आ जाएगा देश में। तो निश्चित तौर पर मैंने मांग किया है, देश के प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि तिजोरी को खोलिए। जनता बेबस है, जनता लाचार है। किसान मरेगा तो शायद आपको दुख हो ना हो, लेकिन हम लोग को बहुत दुख है। हम लोग इस तरह होने नहीं देंगे। राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि एकदम राहत आपदा विशेष तौर पर चलाया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दिया जाए।